हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से हम आज पहले हम करें क्वेश्चन नंबर 1। अ वायर ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज पुल्ड टू डबल इट्स लेंथ। जो रेजिस्टिविटी एक वायर की, उसकी जो लेंथ है उसको डबल कर दी। व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टिविटी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि एक रेजिस्टिविटी अगर हमें इसमें से निकालनी हो, ए आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और एल इधर आके डिवाइड। आर ए अपॉन एल इज रेजिस्टिविटी। लेंथ जब एल है, लेंथ जब एल है तब रेजिस्टिविटी क्या है? रो। ठीक है, ये वाली। और जब वो कह रहे हैं कि लेंथ को डबल कर दी, लेंथ को डबल कर दें 2L, तब रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब आप देखिए, जो रेजिस्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ पे। अगर लेंथ इंक्रीज होगी, डबल होगी, तो जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो गई? डिक्रीज। अगर लेंथ डबल होगी तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? हाफ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वायर ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज पुल टू डबल इट्स लेंथ। व्हाट इज द न्यू रेजिस्टिविटी? न्यू रेजिस्टिविटी इज हाफ फ्रॉम ओल्ड रेजिस्टिविटी। मतलब न्यू रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? हाफ। दिस इज अ आंसर। थैंक यू।